गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स, आई होप यू ऑल आर फाइन एट ए होम। चलिए अब हम अपना जो प्रीवियस जो चैप्टर था उसका ज़रा एक बार सॉरी प्रीवियस जो पार्ट था उसका एक बार रिवीजन कर लेते हैं। एज ये वीडियो जो है आपको प्रैक्टिकल वीडियो है फॉर द पर्टिकुलर गूगल डॉक, ठीक है। तो हमने कल सीखा क्या था, बेसिकली कैसे गूगल डॉक को स्टार्ट करते हैं, साइन इन करके फिर कैसे डॉक को सेलेक्ट करते हैं ऐप में से, देन आफ्टर दैट कैसे ब्लैंक डॉक्यूमेंट क्रिएट करते हैं, कैसे उसमें कुछ डेटा इंटर करते हैं प्लस उसे सेव करते हैं, रीनेम कैसे करना होता है डॉक्यूमेंट को, और एज वेल एज शेयर कैसे करते हैं, अगर हमें किसी पर्टिकुलर एक पर्सन के साथ उसे शेयर करनी है या फिर सबके साथ अगर हमें उसे शेयर करना है। ये हमने कल थ्योरेटिकली एस्पेक्ट्स के देखे थे। चलिए आज हम इसका प्रैक्टिकल करते हैं। तो उसके लिए सबसे पहले आपको क्या खोलना है, फर्स्ट आपको ब्राउज़र ओपन करना होगा, ठीक है। देन आप अपना पेज नंबर 159 ओपन कर सकते हैं फर्दर रेफरेंस के लिए। देन यू हैव टू क्लिक ऑन साइन इन। साइन इन पे क्लिक करेंगे तो ये आपको रीडायरेक्ट करेगा जीमेल पे। नाउ हेयर यू हैव टू पुट योर ईमेल एड्रेस, ओके। देन यू हैव टू क्लिक ऑन नेक्स्ट। एज द इंटरफेस हैज बीन चेंज, जो आपको बुक्स में दिख रहा होगा और इसमें दिख रहा होगा थोड़ा चेंज होगा। पासवर्ड डाल के नेक्स्ट करेंगे। डोंट सेव, ओके। इट इज आस्किंग फॉर टू स्टेप वेरिफिकेशन, एज मैंने ऑप्ट कर रखा है उसके लिए सो दैट मेरा अकाउंट सिक्योर रहे ज़्यादा। ओके, नाउ साइन इन करते ही हम अपने थर्ड स्टेप पे आ गए, ठीक है। हेयर यहाँ पे आइकन दिखेगा, इस पर डिस्प्ले होगी आपकी इमेज अगर आपने यूज़ कर रखी होगी। देन यू हैव टू क्लिक ऑन द गूगल ऐप बटन, टैप करेंगे, यू विल स्लाइड इट डाउन। दीज ऑल आर द एप्स ऑफ गूगल, ठीक है। बेसिकली यहाँ आएंगे एंड आपको देखिए यहाँ पे तीन दिख रहे हैं डॉक्यूमेंट्स, बेसिकली जो है पहला है डॉक्स, दूसरा है शीट्स और स्लाइड, जिसके बारे में हमने डिस्कस किया था। हमें डॉक्स पे वर्क करना है, ओपन कर लेंगे इसे, हम क्लिक करेंगे। नाउ आपका गूगल डॉक आपके सामने ओपन होके आ गया है। हेयर यू आर एबल टू सी, यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे ये जो है रिज्यूम, रिज्यूम लेटर, प्रोजेक्ट प्रपोजल, ब्रोशर, ये क्या है, ये सारे के सारे टेम्पलेट्स हैं। आपको और भी टेम्पलेट्स मिल जाएंगे और दिस इज़ फॉर द ब्लैंक एंड दीज आर द रीसेंट डॉक्यूमेंट जो मैंने सेव करे हैं बेसिकली, ठीक है। अब ब्लैंक पे आप टैप करेंगे ऐड बटन पे एंड देन आपके सामने ब्लैंक डॉक्यूमेंट ओपन हो जाएगा एज इफ आपने देखा था अपने सिक्स स्टेप के बाद। हेयर वट एवर यू वॉन्ट टू टाइप, दिस इज़ द इंसर्शन पॉइंट, ओके। जो भी आपको टाइप करना है, क्लाउड क्लाउड कंप्यूटिंग इज अ इतना ही लिखते हैं, आप इसे टाइप करते जाएंगे एंड आपका डॉक्यूमेंट जो है यहाँ पे ऑटोमेटिकली सिंक होता रहेगा, ड्राइव पे सेव होता रहेगा, ठीक है। आपको सेव करने की अलग से उसे ज़रूरत नहीं है। तो हमने इतना सा लिख लिया, दिस इज़ जस्ट अ ट्यूटोरियल। तो आफ्टर दैट व्हाट वी हैव टू डू, हमें इसके बाद क्या करना है, ये हमारा डॉक्यूमेंट सेव हो चुका है, हमें रीनेम करना है। आप देख रहे होंगे अनटाइटल्ड डॉक्यूमेंट नेम से आए हैं, आपको ऑलरेडी बताया था। अब क्या करेंगे, आप फाइल पे जाएंगे, हेयर यू कैन क्लिक ऑन रीनेम, ड्रॉप डाउन मेन्यू आएगा, रीनेम सेलेक्ट करेंगे, ओके। अब यहाँ पे आप या तो बैक स्पेस दबा दीजिए या फिर डायरेक्टली टाइप करना शुरू कर दीजिए बाय वट एवर नेम यू वॉन्ट टू सेव। क्लाउड कंप्यूटिंग, ओके, टाइप कर दिया एंटर। अभी आपका डॉक्यूमेंट विद द नेम ऑफ क्लाउड कंप्यूटिंग शो हो रहा है, ठीक है। अब इसी फाइल को अगर आपको
डिलीट करना है, सॉरी डिलीट नहीं, शेयर करना है किसी स्पेसिफिक पर्सन के साथ, तो आप कैसे करेंगे? यू आर एबल टू सी ऑन द राइट साइड, यहाँ पे शेयर ऑप्शन आपको दिख रहा है, क्लिक करेंगे आप, आपके सामने जो है शेयर विद अदर डायलॉग बॉक्स अपेयर हो जाएगा। ओके आ गया। अब यहाँ पे यू विल ऐड द नेम ऑफ द पीपल, ठीक है, यहाँ पे आप जो है लोगों के नेम ऐड करेंगे, जैसे मैं यहाँ पे ऐड कर देता हूँ। अब यहाँ पे जो आप क्या करेंगे, यहाँ पे आप लोगों के नेम ऐड करेंगे या ईमेल एड्रेस, मी डॉट, अब हेयर आप लोग जो है टाइप करना शुरू करेंगे जिसका भी आपको डालना है। जैसे मैंने यहाँ पे एम ई डाला है तो आपको सजेशंस मिल रहे हैं, आप कोई भी नेम डालेंगे सजेशंस मिलेंगे, मी डॉट जोशी डॉट पीयूष एट द रेट gmail.com, अगर मुझे इनके साथ शेयर करना है। ये आ गया और उन्होंने अपनी डेटाबेस पे शेयर कर लिया, ठीक है, ये मेरा दूसरा ईमेल एड्रेस है प्राइमरी को छोड़ के। ठीक, अब मैं क्या करूँगा, सेंड कर दूँगा। ओके अब ये पर्टिकुलर डॉक्यूमेंट जो है एडिट होता रहेगा, कुछ चेंजेस होते रहेंगे, ये सब जो है आपको अपडेट होता रहेगा विद दैट पर्टिकुलर पर्सन जिसको आपने सेंड किया है, ठीक है। ऐसे ही आप और भी ईमेल एड्रेसेस साइड बाय साइड डाल सकते हैं और शेयर कर सकते हैं। ये तो स्पेसिफिक पर्सन था जिससे हमने शेयर करा। अब जैसे शेयर करना है मुझे कई सारे लोगों से, मैं अगेन यहाँ पे क्लिक करूँगा शेयर पे, ठीक है, शेयर विद अदर डायलॉग बॉक्स आ जाएगा। हेयर देखिए, यहाँ पे ऑप्शन जो है थोड़ा सा चेंज हो गया है, जो आपको बुक में दिख रहा था दैट वाज अ डिफरेंट, गूगल अपने आप को अपडेट करता रहता है, ठीक है। अब यहाँ आप कॉपी करेंगे लिंक को, कुड नॉट कॉपी, अब ये कॉपी नहीं कर पा रहा है क्योंकि मुझे इसे चेंज करना है विद एनीवन, चेंज टू एनीवन विद द लिंक, ठीक है। अब चेंज टू एनीवन हो गया ये, यहाँ से आप दिस इज द पर्टिकुलर लिंक, कॉपी डन। अब आपको किसी को भी इसे भेजना है व्हाट्सएप के थ्रू या फिर किसी भी पर्टिकुलर मैनर में आप भेज सकते हैं, जैसे कि कॉपी कर लिया है, आपको किसी को भी भेजना है आप मैसेज के थ्रू इसे भेज सकते हैं या किसी मैनर में। यहाँ पे आप पेस्ट करेंगे, इट्स शोइंग यू द शॉर्टकट्स, यू आर गोइंग टू पेस्ट। देखिए ये आपके सामने लिंक आ गई है, दिस इज़ द लिंक, जो भी इस लिंक पे क्लिक करेगा, जिसके साथ भी आप शेयर करोगे इसे, वो पर्टिकुलर पर्सन उस डॉक्यूमेंट को देख पाएगा, ठीक है, दिस इज़ द पर्टिकुलर लिंक। ओके नाउ यहाँ तक तो हो गया आपका गूगल डॉक्यूमेंट का। एक लास्ट स्टेप है साइन आउट फ्रॉम गूगल डॉक्यूमेंट, उसके लिए आप लोग टैप करेंगे गूगल अकाउंट पे एंड साइन आउट पे टैप कर देंगे। अभी मैं साइन आउट नहीं कर रहा हूँ क्योंकि मुझे आपको गूगल ड्राइव भी अभी इसी पे दिखाता हूँ, ठीक है। उसके लिए मैं गूगल फिर से ओपन कर लेता हूँ, तो हमारा गूगल ओपन हो के आ गया। अगेन मैं ऐप आइकन पे क्लिक करूँगा, हेयर ड्राइव आइकन इज, ड्राइव आइकन पे टैप करूँगा मैं और मेरी ड्राइव ओपन हो के आ जाएगी पूरी, ठीक है। यहाँ पे हम लोग क्या देख पा रहे हैं, ड्राइव, ठीक, एंड दिस इज़ अ रिसेंट डॉक्यूमेंट जो हमने सेव किया था क्लाउड कंप्यूटिंग। ये सब भी बाकी डॉक्यूमेंट्स हैं और ये फोल्डर्स हैं। ये ड्राइव का व्यू आपको थोड़ा डिफरेंट लग रहा होगा क्योंकि मैंने इसे लिस्ट व्यू से हटा रखा है। ये देखिए, ये हमारी ड्राइव ओपन हो गई है और लास्ट जो हमने डॉक्यूमेंट ओपन किया था, इट इज़ विजिबल टू अस हेयर, ये सेव हो चुका है। अगर इसे खोल के देखना चाहें तो हम ओपन भी कर सकते हैं इसे, और देखिए ये आपका क्लाउड कंप्यूटिंग जो है ओपन हो गया है। ओके सो ये था हमारा गूगल ड्राइव का पूरा रिव्यू। अब हम इसे लॉग आउट अगर करना है तो कैसे लॉग आउट करेंगे, टैप करेंगे हमारे गूगल अकाउंट आइकन पे एंड साइन आउट। तो आप जो हैं गूगल ड्राइव एज वेल एज गूगल डॉक्यूमेंट सबसे साइंड आउट हो जाएंगे, ठीक है। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे। प्लीज़ सी द वीडियो फॉर द डेमोन्स्ट्रेशन पर्पस, के लिए ये वीडियो बनाई है, प्लीज़ देखिए एंड
ट्राई करिए अपने सिस्टम्स पे या फिर अपने सेलफोन्स पे। सेलफोन्स पे भी सेम प्रोसेस होता है, कोई चेंज नहीं होता, थोड़ा सा इंटरफेस चेंज हो जाता है बस। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे, कीप रिवाइजिंग, स्टे एट योर होम एंड स्टे सेफ।